हाय, मार्केट गिर रहा है और लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी गिरावट में कौन से शेयर्स बेस्ट हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जी हाँ, अगर आप इस गिरावट में कुछ स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 6 ऐसे गोल्डन शेयर्स बताने वाला हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार होने वाले हैं, जो 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं। जी हाँ, शेयर्स के नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन शेयर्स को इनके फंडामेंटल्स के आधार पर चूज किया गया है, क्योंकि इन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है, तो इन कंपनीज के डिफॉल्ट होने के जो चांसेस है बहुत बहुत ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट जीरो है। उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के नीचे इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक, जैसे फायर्स, एंजल वन, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, स्टॉक्स कार्ड, इन सब के लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए हैं। तो प्लीज अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने से पहले एक अच्छा सा डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, जहां पे आप ये इन्वेस्टमेंट करने वाले शेयर्स को परचेज करके रख सकते हैं। और एक बात बता दूं कि अगर आप मेरे इस लिंक से अकाउंट खोलते हैं, तो आपको हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग हैंड होल्डिंग ग्रुप, जी हां, जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है, ट्रेडिंग रूम जिसको मैंने बनाया है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप पहली कंडीशन को पार कर लेंगे और आप एलिजिबल हो जाएंगे हमारे ट्रेडिंग रूम को ज्वाइन करने, जहां पे फुल डे बाजार में सपोर्ट दूंगा। दिस ट्रेडिंग रूम इज स्पेशली फॉर ट्रेडिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड देयर ऑप्शंस। और अपने स्टॉक से पूछ सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे नंबर जो है स्क्रीन पे अभी आ रहे हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स जान सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड फाइंड आउट कि ऐसे कौन से 6 गोल्डन स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म में आपका साथ देने वाले हैं, आपको वेल्थ क्रिएट कराने में आपकी हेल्प करेंगे और आपकी लाइफ को सिक्योर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। नंबर 1, एशियन पेंट्स। जी हाँ, दिग्गज कंपनी है, पेंट सेक्टर से, फंडामेंटल्स की बात नहीं करूंगा। मार्केट कैप है 2,50,000 करोड़ का, करंट मार्केट प्राइस है 2,666 रुपए, हाई है 3,590 रुपए, लो बनाया है 2,560 का। आरओसी की बात की जाए तो 29.7% का बहुत ही अट्रैक्टिव है, आरओई 23.2% का है, डेट अगर देखा जाए प्रीसीडिंग ईयर में तो 1,093 करोड़ के आसपास था, जिसके अगेंस्ट में कैश इक्विवेलेंट है 864 करोड़ का, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 14.8% है, पिछले 5 साल का 14%, और नेट प्रॉफिट है 3,031 करोड़ का। दूसरा शेयर इस कड़ी में इंफोसिस, जहां टेक की दिग्गज कंपनी, 6,00,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट मार्केट प्राइस है 1,437 रुपए का, हाई बना है 1,954 रुपए का, 1,337 रुपए का लो बना है। आरओसी की बात की जाए तो 37.1% का, आरओई 29% का, सेल्स ग्रोथ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में 13% के आसपास का है, पिछले 5 साल का 12% का, और डेट रहा है 5,325 करोड़ का, और कैश इक्विवेलेंट है 17,472 करोड़ के, नेट प्रॉफिट कंपनी ने 22,110 करोड़ किया है। तीसरी कंपनी टेक की दिग्गज कंपनी है टीसीएस। जी हाँ, मार्केट कैप शानदार 11,80,000 करोड़ का मार्केट कैप, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3,223 रुपए के आसपास में, हाई बना है 4,046 रुपए का, लो बना है 3,000 रुपए के आसपास में। आरओसी की बात करें 54.9%, आरओई 43.6%, डेट रहा है 7,795 करोड़ के आसपास में, जिसके अगेंस्ट में कैश है 18,000 करोड़ का। सेल्स ग्रोथ रही है 9.4% के आसपास की, सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल की 10% के आसपास का है, हेल्थी नेट प्रॉफिट मेंटेन है 38,000 करोड़ के आसपास में। चौथा नाम है इस कड़ी में HDFC बैंक। जी हाँ, देश का नंबर 1 बैंक, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 7,40,000 करोड़ के आसपास का, करंट मार्केट प्राइस है 1,330 रुपए का, हाई बना है 1,725 का, अभी मिल रहा है 1,272 के लो के आसपास में। आरओसी है 6.36%, आरओई 18%, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 8.93%, 5 साल का 13.2%, नेट प्रॉफिट कंपनी का रही है 38,000 करोड़ के आसपास का, विच इज वेरी वेरी गुड। पांचवी बड़ी कंपनी इस लिस्ट में शामिल होती है फाइनेंस सेक्टर से, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। जी आप जानते हैं बजाज फाइनेंस क्या करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,29,000 करोड़, करंट मार्केट प्राइस 5,440 रुपए, हाई बनाया है 8,000 रुपए का, लो बनाया 5,220 के आसपास का। आरओसी 10% का, आरओई 17% का, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 19% का है, पिछले 5 साल में 26% के आसपास का है, नेट प्रॉफिट कंपनी के लिए 7,000 करोड़ के आसपास का, विच इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। सिक्स कंपनी इस लिस्ट में आती है पॉलीकैब इंडिया। जी हाँ, केबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी, मार्केट कैप है 31,000 करोड़ का, करंट मार्केट प्राइस है 2,100 रुपए में, और हाई बनाया है 2,820 का, लो बनाया है 1,760 रुपए का। आरओसी की बात की जाए तो 22% के आसपास का आरओसी, या आरओई 17% के आसपास का, पिछले 3 साल की सेल्स 15% के आसपास की है, 5 साल की एवरेज सेल 17% के आसपास का ग्रोथ है, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 1,000 करोड़ के आसपास का, 400 करोड़ के डेट है, और नेट प्रॉफिट है 1,188 करोड़ के आसपास का। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक प्रेस करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए हमेशा से लेकर आता रहूं। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट एनी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। गाइस, प्लीज अपनी स्टडी करने के बाद ही कोई ट्रेड लीजिए, क्योंकि दिस इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग प्रेफरेंस एंड फॉर योर रेफरेंस। आपकी स्टडी करके ही कोई ट्रेड लीजिएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको पसंद आया हो, और बेल नोटिफिकेशन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आप हमें रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी लिंक, कोई भी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और लिंक सभी सोशल मीडिया के आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद।